एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। ओके, आज हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो एलिगेशन जो है वो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, जहां एक्स एंड वाई के जो इक्वेशंस लगते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, इसको ये एक्सक्लूड करता है। ठीक है, हमको यहां लगाना नहीं पड़ता, और जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है उनको बहुत ही आसान बनाकर बहुत ही मिनिमम टाइम में आपको रिजल्ट देगा, विद इन सेकेंड्स। ओके, तो एलिगेशंस लगाते किधर है ये बता करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी लिखा नहीं रहेगा कि आप एलिगेशंस करके, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसे सॉल्व कीजिए, ये कहीं पर लिखा नहीं रहेगा, ये आपको तय करना होगा। ओके, क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ के आपको पता करना होगा कि आप एलिगेशंस लगाएंगे या नहीं। तो एलिगेशंस लगाने की एक रूल है, ठीक है, तो याद रखिए कि हम एलिगेशंस कहां कहां लगा सकते हैं। हम एलिगेशन वहां लगाते हैं जहां एटलीस्ट तीन, ओके, जहां एटलीस्ट तीन वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज दिया होता है। मतलब अगर दो आइटम का अपना अपना प्राइस दिया हुआ है, ओके, अगर दो आइटम एक्स एंड वाई का अपना अपना प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, इसका अपना प्राइस दिया, इसका अपना प्राइस दिया है, और उनके कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन का कोई एक और प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक्स का अपना इंडिविजुअल प्राइस है, वाई का अपना इंडिविजुअल प्राइस है, हम इन दोनों को कंबाइन करके जब प्राइस आता है, ठीक है, एवरेज अगर वो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम एलिगेशंस आराम से लगा सकते हैं। और एलिगेशंस आपने अगर लगा दिया किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आपको वो प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स में रिजल्ट देगा। ओके, क्योंकि आप वहां पर एक्स एंड वाई के कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से बच जाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं और बेसिक से पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम लेवल को आगे लेके जाएंगे हमारा लेवल हाई हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। ये बोलता है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 एंड ₹20 पर केजी रेस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ वर्थ ₹16.50 पर केजी। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दुकानदार है, ठीक है, उसके पास दो क्वालिटी के दाल है, ठीक है, पहला क्वालिटी का जो दाल है वो ₹15 पर केजी दे रहा है, और दूसरा क्वालिटी का जो दाल है वो ₹20 पर केजी देता है, ठीक है, तो वो किस रेशियो में दोनों दाल को मिलाएगा कि मिलाने के बाद उनका कॉस्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल ₹16.50 पर केजी। ओके, सारे ₹16 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक क्वालिटी का जो दाल है उसका दाम दिया हुआ है ₹15, ओके, और दूसरा क्वालिटी का जो दाल है उसका दाम दिया हुआ है ₹20 पर केजी, ठीक है, और दोनों को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, ₹15 वाला दाल, ₹20 वाला दाल, दोनों को अगर मिला दे वो, ठीक है, किस रेशियो में मिलाएगा, अगर मिला दिया किसी रेशियो में तो उसका जो प्राइस हो गया कंबाइन करके दैट इज 16.50 पर केजी। ओके, मतलब ₹16.50। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना कि एक इंडिविजुअल का आपको प्राइस पता है, दूसरा इंडिविजुअल का प्राइस पता है, दोनों को मिला के, ठीक है, उसके मिक्सचर का आपको प्राइस पता है, इसका मतलब जो है आप आराम से इसमें एलिगेशंस लगा सकते हैं इसमें। तो एलिगेशंस का एक रूल ऐसा है कि आप क्रॉस वाइज से माइनस करेंगे। ओके, क्रॉस माइनस करेंगे, जैसे 20 में से सारे 16 घटा दिए तो कितना जाएगा 3.5, और उसी तरह से 16.50 से अगर आप ₹15 घटा दे तो कितना जाएगा 1.5, इसका मतलब यही वो रेशियो है। ओके, तो ₹15 का जो दाल होगा दैट विल बी 3.5, ठीक है, और ₹20 वाला का जो दाल होगा 1.5, तो ये उसका रेशियो है। तो रेशियो आपको ये आंसर करेक्ट नहीं आएगा, इसको आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा, दैट इज 3.5 डिवाइड बाय 1.5। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, ओके, और आपको आ जाएगा ये 5 3 15 एंड 5 7 35, तो ये कितना जाएगा 7:3। इसका मतलब है कि हर दस किलो में 7 किलो जो होगा वो ₹15 वाला, मतलब ₹15 वाला दाल होगा, और 3 किलो जो होगा वो ₹20 वाला दाल होगा, तो इसी रेशियो में वो मिलाएगा, तो उसका जो मिक्सचर है दैट विल बी इक्वल टू ₹16.50 होगा, ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और यहां पर एक और बात देखने की है, नोटिस करना है कि जो भी कंबाइंड प्राइस होगा ना वो एक, मतलब दोनों प्राइस के बीच में आएगा, ठीक है, मतलब 15 से ज्यादा होगा और 20 से कम होगा, ऐसा एग्जैक्टली हर जगह ऐसा होगा कि जो मिनिमम प्राइस है उससे बड़ा होगा और मैक्सिमम प्राइस से छोटा होगा, ठीक है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है तो या तो क्वेश्चन गलत है या फिर आप गलत क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। ओके, तो हर जगह ऐसा आपको मिलेगा कि जो भी कंबाइंड प्राइस है ना वो छोटे वाले प्राइस से ज्यादा होगा और बड़े वाले प्राइस से
छोटा होगा, ठीक है, मतलब जो दो गिवन प्राइस है ना उनके बीच का वो प्राइस होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन व्हाट रेशियो, ओके, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट रुपीज 16 पर केजी बी मिक्स्ड विथ राइस एट रुपीज 9 पर केजी सो दैट द मिक्सचर वर्थ रुपीज 12 पर केजी। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि किस रेशियो में दो दाल को मिलाया जाए, दो क्वालिटी वाली दाल है, एक क्वालिटी दाल जो है वो 16 रुपए पर केजी मिल रहा है और दूसरा 9 रुपए पर केजी। ओके, तो इसे किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो इसका मिक्सचर होगा वो रुपीज 12 पर केजी कॉस्ट होगा। ओके, तो अब देख रहे हैं आप, दो इंडिविजुअल का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और उनके कॉम्बिनेशन का प्राइस दिया हुआ है और रेशियो पूछा है। तो आप आराम से, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आपने देखा कि जब ऐसा कंडीशंस रहेगा तो आप आराम से एलिगेशंस के फॉर्मूलास कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे, पहला फर्स्ट राइस क्वालिटी का 16 रुपीज पर केजी था, दूसरा का 9 रुपीज पर केजी था और इनके कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर मिला दिया, दोनों को मिला दिया तो कितना आया 12 रुपीज पर केजी। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये दोनों के बीच का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है या तो क्वेश्चन गलत है या आप गलत स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और एलिगेशंस का रूल है कि आपको क्रॉस में माइनस करना होगा, मतलब 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा और 16 में से 12 जाएगा तो आपको क्या आएगा 4 आएगा। तो दिस विल बी द रेशियो 3:4 रेशियो में वो मिक्सचर को मिलाएगा। ओके, इसका मतलब है अगर 3 किलो पहला दाल को मिला रहा है, ठीक है, सॉरी राइस को, तो 4 किलो दूसरे क्वालिटी वाले राइस को मिलाएगा। सो द आंसर विल बी 3:4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15.8 इयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 16.4 इयर्स एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 15.4 इयर्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन द क्लास इज हाउ मच। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी क्लास में सारे स्टूडेंट्स का जो एवरेज है दैट इज 15.8 इयर्स, ओके, और बॉयज का जो एवरेज है दैट इज 16.4 इयर्स और गर्ल्स का जो एवरेज है एज का, ओके, दैट इज 15.4 इयर्स। मतलब यहां भी दो इंडिविजुअल का एवरेज दिया हुआ है और उनका कंबाइन एवरेज भी। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में एलिगेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, मतलब आप यहां लिख सकते हैं बॉयज, ओके, इधर ले सकते हैं आप गर्ल्स। ओके, तो बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ है 16.4 दिया हुआ है, गर्ल्स का एवरेज कितना दिया हुआ है 15.4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बॉयज का एवरेज है, ये गर्ल्स का एवरेज है, दोनों मिल जाएंगे तो एक क्लास बन रहा है, ठीक है, मतलब दोनों के कंबाइन का एक एवरेज दिया। देखिए यहां कंफ्यूज मत कीजिएगा, बॉयज का एवरेज यहां दिया हुआ है 16.4, गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है 15.4, अब पूरे क्लास का एवरेज है, इसका मतलब उस क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात हो रही है, तो दोनों का टोटल कंबाइन एवरेज दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 15.8, ठीक है। अब दो इंडिविजुअल का वैल्यूज दिया हुआ है और उसका कॉम्बिनेशन का भी, तो इस केस में आप एलिगेशंस आराम से लगा सकते हैं। करना यह है कि आपको ऑपोजिट्स, ओके, क्रॉस में आपको माइनस करना है, मतलब 15.8 से 15.4 घटाइएगा आपको आ जाएगा 0.4 और 16.4 से 15.8 घटाइएगा आपको आ जाएगा 0.6, ओके। तो ये आपका कभी भी आंसर में नहीं दिया होगा, यही रेशियो है 0.4:0.6, इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, दैट इज 0.4/0.6, ओके। तो आप ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया 2:3, ओके। यहां ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इसका रेशियो पूछा है, तो आप पहले बॉयज का नोट कर लीजिए उसके बाद गर्ल्स का नोट कीजिए, ताकि जो आपको वैल्यू आएगा वो बॉयज टू गर्ल्स होगा। अगर आप गलती करेंगे तो हो सकता है गर्ल्स टू बॉयज आ जाए और आंसर आपके गलत आ जाए, बॉयज टू गर्ल्स बोला ना, तो आप उसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 2:3, इसका मतलब हर दो बॉयज पर 3 गर्ल्स हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन बोलता है अ मर्चेंट सेल्स x kg sugar at 8% profit and y kg at 18% profit, he gains 14% on the whole, find the ratio between x and y, okay। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक व्यापारी जो है वो x kg sugar बेचता है जिसपे उसको 8% profit होता है और y kg जब sugar बेच रहा है तो उसको 18% profit हो रहा है, तो कह रहा है कि जब total profit वो देख रहा है, ठीक है, कुल मिलाकर जो प्रॉफिट देखा x प्लस y, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होता है 14%, ओके। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो इस तरह का जब रेशियो पूछा है तो आपको पता है x का इंडिविजुअल, ठीक है, x के जी बेचने पे उसे कितना प्रॉफिट हुआ 8% और y के जी बेचने पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ 18%। अब आप ये देखिए रेशियो x एंड y पूछता है, ओके,
तो सुविधा होने के लिए आप पहले एक्स लिखिए, बाद में आप वाई लिख दीजिए, ठीक है। अब एक्स पे उसको 8% मिलता है, एक्स के जी पे, वाई के जी पे उसको 18% मिलता है, और दोनों का एवरेज भी हमको दिया हुआ है, दोनों का एवरेज दिया हुआ है कि कुल मिलाकर जब देखता है तो उसको मुनाफा 14% का होता है, ठीक है। तो अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अब एलिगेशन लगाने का मतलब क्या है कि रेशियो मिल जाएगा एक्स और वाई का, तो वो कैसे करते हैं, हमको 18 माइनस 14, मतलब क्रॉस में आप माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 आ जाएगा 6, तो जो एक्स एंड वाई का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू 4:6। इसे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, सो द रेशियो विल बी 2:3, ठीक है। तो एक्स इज टू वाई क्या हो जाएगा, 2:3, दिस विल बी योर आंसर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 1000 इन टू स्कीम्स ए एंड बी, ओके, एट 6% एंड 8% रेस्पेक्टिवली, इफ ही गेट्स इंटरेस्ट रुपीज 75 फ्रॉम बोथ द स्कीम्स, व्हाट अमाउंट ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी, ओके। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 1000 रुपया, ठीक है, इस 1000 रुपया को एक व्यक्ति ने 6% पे इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है, और 8% पर दिया, मतलब कुछ पैसा 6% पे दिया होगा, कुछ पैसा 8% पे दिया होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, और कुल मिलाकर जो दोनों मिलाकर इन्वेस्टमेंट है वो कमा लेता है दोनों में से ए एंड बी से रुपीज 75 फ्रॉम बोथ द स्कीम, ओके। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि वो कितना स्कीम बी में इन्वेस्ट किया होगा, ओके, तो स्कीम बी में वो कितना इन्वेस्ट किया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि उसने 1000 का 1000 रुपए को पूरा पूरी 6% पर दे दिया, ठीक है, 6% इंटरेस्ट में दिया, पहला बात तो आप मानेंगे कि जो 1000 रुपया ना उसको पूरा का पूरा 6% पे दे दिया है, ठीक है, तो 6% पे दिया है तो इंटरेस्ट क्या है उसका, 6/100 × 1000, ठीक है, दैट विल बी ₹60, ठीक है। तो पहला हो गया 6% पे देने पे उसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ₹60, ओके। दूसरा बार क्या कि इसने क्या करना है कि 1000 रुपए को पूरा पूरी 8% पे इन्वेस्ट कर देना है, तो 8% पे 1000 रुपए को पूरा पूरी इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब 8/100 × 1000, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ₹80, ठीक है। तो पहली बार में जब वो पूरा पैसा 6% पे इन्वेस्ट करता है तो उसे इंटरेस्ट क्या जाता है, 60, 8% पे इन्वेस्ट किया तो उसे इंटरेस्ट क्या जाता है, ₹80, लेकिन टोटल में ना तो उसको 60 आता है ना ही 80 आता है, उसको कितना आता है, 75, ओके, क्योंकि उसने कुछ पैसे 6% पे दिए और कुछ पैसे 8% पे, इसलिए कुछ अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। हमने क्या माना कि जितना रुपीस था उसको एक बार उसने 6% पे दिया होगा और एक बार उसने 8% पे दिया होगा, तो हमें एक कैलकुलेशन मिल गई, ठीक है। अब दोनों मिला के जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जो उसका प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, दैट इज ₹75, ओके। तो अब इस केस में ऐसा हो जाएगा कि हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं और डिफरेंस क्या हो जाएगा, 80 माइनस 75 तो कितना आ गया, 5, और 75 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 15, तो आपका रेशियो होगा 5:15। आप इसे और कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1:3, इसका मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज इक्वल टू 1:3, इसका मतलब अगर वो ए में 1 रुपया डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्कीम बी में वो 3 रुपया इन्वेस्ट करेगा। तो पूछा है इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी, तो स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, तो 3/4 × 1000, के रेशियो का प्रॉब्लम क्वेश्चन है, क्योंकि 3 स्कीम में बी में इन्वेस्ट कर रहा ना, तो टोटल 4 है, इंटू टोटल मनी कितना उसके पास, 1000 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1000, ओके, तो रिजल्ट विल बी, सॉरी 1000 बोल रहे हैं, 250 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 750, ओके। तो स्कीम बी में उसने कितना इन्वेस्ट किया, ₹750, एंड दिस इज द आंसर, ओके। तो करना कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दो डिफरेंट स्कीम्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जब पूरा का पूरा वो पूरा मनी जो है 6% के ऊपर में इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना उसके पास इंटरेस्ट आ रहा है, और अगर वो पूरा का पूरी 8% पे इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना उसको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये दोनों डाटा मिल गया इंडिविजुअल, तो दोनों मिलाकर कुल मिलाकर जो उसने इन्वेस्टमेंट की है कुल मिलाकर उसे कितना आ रहा है, 75, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसमें आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने दो इंडिविजुअल चेक किया और दोनों के कंबाइन का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एलिगेशन में क्या होता है, आप क्रॉस सब्ट्रैक्शंस करते हैं, मतलब 75 माइनस 60, तो आपको रेशियो क्या आएगा, 5:15, दैट इज 1:3। इसका मतलब अगर वो स्कीम ए में 1 रुपया लगाता है तो स्कीम बी में वो 3 रुपया लगाएगा, ऐसे रेशियो में वो काम करेगा। तो स्कीम बी में कितना लगाएगा, 3/4 × 1000, दैट इज इक्वल टू ₹750, और ये आपका आंसर।
तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोलता है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5000, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। ओके, मतलब मेल जो है वो 10% बढ़ा है और फीमेल जो है वो 15% बढ़ा है। एंड कंसिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 5600, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी गांव में पूरी आबादी 5000 की थी, जिसमें 10% मेल की आबादी बढ़ी है और 15% फीमेल की आबादी बढ़ी है। ऐसा होने पे कुल आबादी जो है वो 5000 से 5600 हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले जो है कितने नंबर ऑफ मेल्स थे उस गांव में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको ये मिल गया कि कंबाइन, ओके, आदमी और औरत, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के बढ़ने पर कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तो पहले 500 था, अब 5600 आ गया। इसका मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों के बढ़ने से जो बढ़ा है दैट इज 600। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में करना यह है कि एक बार हम पूरा मान लेंगे कि 5000 का 5000 मेल्स है। ओके, तो कितने मेल्स बढ़े? 10%। तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा आपको? 500। ठीक है, 5000 का 10% कितना हो जाएगा आपको? 500। उसके बाद फीमेल्स बताए, तो पूरा का पूरा अगर फीमेल्स मान लिए तो 5000 का 15% कितना हो जाता है आपको? 750। ओके, तो अगर पूरा का पूरा मेल्स है तो 500 पॉपुलेशन बढ़ेगा, पूरा का पूरा फीमेल्स है तो 750 बढ़ जाएगा। तो चूंकि पूरा का पूरा मेल्स और फीमेल्स नहीं, दोनों कंबाइन है, 600 बढ़ रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हमको मिल गया, तो हम यहां पर एलिगेशंस लगा सकते हैं, मतलब क्रॉस में माइनस करना है। तो 750 से 600 गया तो कितना आएगा आपको? 150। ठीक है, और 600 से 500 गया तो आपको कितना आएगा यहां पर? 100। ठीक है, आप यहां पर एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, 5 3 15 एंड 5 2 10, तो आपका रेशियो क्या आ गया? 3:2। मतलब उस गांव में अगर तीन आदमी है, ठीक है, तीन मेल्स है तो दो फीमेल्स है। ठीक है, हर पांच जनसंख्या में तीन मेल्स है और दो फीमेल्स है। तो पूछा है पहले मेल्स कितना थे, तो पहले की जनसंख्या कितनी थी? 5000। याद रखिए यहां पर ही मेल्स का कैलकुलेशन हम 5600 नहीं करेंगे। ठीक है, पहले वाज बोला है, वाज, ठीक है, मतलब पहले आदमी कितने थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपको रेशियो? 3/5 × 5000। ओके, तो आप यहां कैंसिल कर सकते हैं 1000, तो यह आ जाएगा आपको 3000। ओके, तो जनसंख्या बढ़ने से पहले उस गांव में 3000 लोग रहते थे। ओके, तो दिस इज द आंसर 3000। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जैक हैज सम हेंस एंड हॉर्सेस इन अ फार्म। ओके, बोल रहा है जैक हैज सम हेंस एंड हॉर्सेस इन अ फार्म, इफ अ नंबर ऑफ हेड्स आर 96 एंड द टोटल नंबर ऑफ फीट आर 280, व्हाट इज द नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द फार्म। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? ओके, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे? तो आप सबसे पहले तो यहां फोकस करिए कि 96 हेड्स दिया हुआ है। 96 हेड्स देने का मतलब है कि टोटल एनिमल जो है, ओके, आपको मिल गया कि टोटल एनिमल्स जो है ना, टोटल एनिमल्स दैट इज 96, मतलब कुल जानवर उसके पास 96 है, क्योंकि हर जानवर के एक एक सर होंगे। ठीक है, अब जो है वो लेग्स में फर्क पड़ जाएगा। ओके, अब जो टोटल लेग्स दिया हुआ है दैट इज 280। ठीक है, अब लेग्स में फर्क पड़ जाएगा क्योंकि हेन की जो लेग होते हैं, ठीक है, मुर्गी के जो पैर होते हैं हेन के, वो दो ही होते हैं, और हॉर्सेस के, ओके, हॉर्सेस, ठीक है, आप कंफ्यूज मत कीजिए, ये हेन्स है और ये हॉर्सेस, हॉर्सेस के कितने लेग होते हैं? 4 लेग होते हैं। ठीक है, हेन्स के 2 लेग होते हैं और हॉर्सेस के 4 लेग्स होते हैं। अगर हम मान ले कि सारा का सारा जानवर हेन्स है, ठीक है, अगर हम मान ले कि पूरा का पूरा जानवर हेन्स है तो कितने लेग्स होने चाहिए? अगर हम मान ले कि पूरा का पूरा जानवर जो है हेंस है तो कितने लेग्स होने चाहिए? तो 96 हेड पे कितने लेग्स होंगे? 96 × 2। अगर मान ले कि टोटल एनिमल्स जो है हॉर्स है तो कितने लेग्स होने चाहिए? ठीक है, तो हो जाएगा 96 × 4। तो एज अ रिजल्ट कितना आता है, कितने लेग्स होने चाहिए जब पूरे के पूरे जानवर हेंस है? तो 96 × 2 आ जाता है आपको 192, और हॉर्सेस का 96 × 4 आ जाएगा आपको 384। ओके, तो अगर पूरे के पूरे मुर्गियां हैं हेंस है तो टोटल लेग्स है 192, पूरे के पूरे जानवर जो है वो घोड़े हैं तो टोटल लेग्स है 384, लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना है? 280 लेग्स ही बोला है, मतलब पूरे हेंस के और हॉर्सेस के लेग्स को मिला करके, कंबाइन कर करके उसने कहा है कि जो टोटल लेग्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 280। ओके, ना तो 192 है ना तो 384 है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितने हैं? 280 है। तो आप यहां पर एलिगेशंस यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको हेंस और हॉर्सेस के कंबाइन लेग्स मिले हैं। ठीक है,
तो आपको एलिगेशन यूज करने का तरीका पता है, आप क्रॉस में माइनस करेंगे ओके, तो आप 384 से 280 घटा दीजिए तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 104, और 280 को 192 से घटा दीजिए आपको रिजल्ट आएगा 88। तो ये आपका रेशियो है कि 104 मुर्गियां हैं तो 88 हॉर्सेस हैं, ये ऐसे रेशियो में। तो आप इसको और कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपको 13 क्योंकि 8 से काट रहे हैं ओके, 811 जा 88 ओके, 813 जा 104, 13 जा 104 ठीक है, तो 13:11 ओके। तो ये आपका रेशियो है हॉर्सेस एंड हेन एंड हॉर्सेस के लिए ओके। तो हेन्स एंड हॉर्सेस का रेशियो आपने निकाला, दैट इज इक्वल टू 13:11 ओके। अब क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ हॉर्सेस, तो नंबर ऑफ हॉर्सेस क्या रेशियो दिख रहा है 11, तो नंबर ऑफ हॉर्सेस जो हो जाएगा, नंबर ऑफ हॉर्सेस ये हो जाएगा आपको 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 13 दैट इज 24, 24 इनटू इधर टोटल एनिमल्स कितने हैं 96 है, तो आप यहां पर ही 24 4 96, तो इसका मतलब टोटल जो हॉर्सेस है दैट इज 44, और यही आपका आंसर है ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ रुपीज 55 इज डिवाइडेड अमंग 150 चिल्ड्रेन इफ ईच गर्ल गेट्स 50 पैसे एंड ईच बॉय गेट्स 25 पैसे देन द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ओके। तो क्वेश्चन कहता है कि 55 रुपए जो है उसे हम डिवाइड कर रहे 150 चिल्ड्रेन में ओके, ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक लड़की को हमें 50 पैसे देना है और हर एक लड़के को हमें 25 पैसे देना है ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ गर्ल्स आर ओके, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, एक समय हम मान लेंगे कि 150 के 150 जो चिल्ड्रेन है ना वो बॉयज हैं, और एक समय मानेंगे कि 150 के 150 जो चिल्ड्रेन है ना वो गर्ल्स हैं ओके। अगर पूरे के पूरे बॉयज हैं तो हमें बॉयज को 25 पैसे देना है, तो कितने पैसे देने पड़ जाएंगे अगर हर बॉयज को 25 पैसा दिया तो 150 इंटू 25 पैसे मतलब 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ अ रुपी, तो ये कितना जाएगा आपको 37.5 ओके। तो अगर सभी को बॉयज मान लिया और सबको 25 पैसे दिए तो खर्च कितने पड़े 37.5, और सबको अगर 150 के 150 बच्चों को अगर गर्ल्स माना ठीक है तो सबको 50 पैसे देने हैं मतलब हाफ रुपीस देने हैं, तो कितने रुपए देने पड़ जाएंगे दैट इज इक्वल टू 75 ओके। तो जब पूरा का पूरा बॉयज था तो 37.5 था, पूरा का पूरा गर्ल्स था तो 75 था ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन बोल रहा है दोनों को मिला करके जब दोनों बॉयज और गर्ल्स थे तो कितना रुपीस खर्च हुआ 55 ओके। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब हम यहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं, इसका मतलब अपोजिट में माइनस करना, तो 75 में से 55 गया तो कितना आता है हमको 20, और 55 में से 37.5 गया तो कितना जाएगा आपको 17.5 ओके। तो ये आपका रेशियो है 20:17.5, इसे आप फर्दर भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, बॉयज इज टू गर्ल्स इज 20:17.5 ओके। तो ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, तो आप यहां देख सकते हैं 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 8 जा 225 7 जा 175, मतलब 8:7 का रेशियो है ठीक है, मतलब हर 15 चिल्ड्रेन पे 8 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा आपको, गर्ल्स के लिए क्या है 7 डिवाइड बाई 15, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, चिल्ड्रन कितने हैं 150 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया हमारा 70 ओके। तो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमारा आंसर है ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ रुपीज 36.90 इज मेड अप ऑफ 180 कॉइंस ओके, विच आर इधर 10 पैसे कॉइंस और 25 पैसे कॉइंस, द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइंस आर ओके। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है, तो इस क्वेश्चन को उस तरह से मैं अप्रोच करेंगे कि 180 कॉइंस है ओके, और 180 कॉइंस टोटल रुपीज जो है 36.90 है ठीक है, ये 180 कॉइंस से मिले हुए हैं ठीक है, बने हुए हैं, और 180 कॉइन में कुछ 10 पैसे के कॉइन है और कुछ 25 पैसे के कॉइन है ठीक है। तो बोला है 10 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो सबसे पहले हम उसी सेम प्रैक्टिकल मेथड से हम डील करेंगे कि 180 के 180 कॉइंस को हम मान लेते हैं कि सभी 10 पैसे हैं ठीक है, तो टोटल कितने रुपीस हो जाएंगे अगर 10 पैसे हैं तो 10/100 × 180 दैट इज इक्वल टू रुपीस आता है आपको 18। अगर सभी के सभी 10 पैसे हैं, हर एक कॉइन अगर 10 पैसा है तो टोटल रुपीस मेरे को 18 होगा ठीक है, हर एक कॉइन अगर 10 पैसा है ठीक है तो टोटल रुपीस कितना होगा 18 होगा, और हर एक कॉइन अगर 25 पैसा हम मानते हैं ठीक है, अगर 25 पैसा है तो टोटल रुपीस कितना हो जाएगा 25/100 1/4 ऑफ दैट ओके, तो ये आ जाएगा आपको रुपीस 45 ओके।
तो आपको मिल गया कि हर एक क्वाइन अगर 10 पैसे का है तो टोटल रुपीस 18 आता है, ठीक है। हर एक क्वाइन अगर 25 पैसे का है तो टोटल रुपीस 45 आता है। तो चूंकि ऐसा नहीं है, दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, वो जो क्वाइंस है दोनों के कॉम्बिनेशन करके, और बनते कितने हैं, 36.90। ओके, तो 10 पैसे का इंडिविजुअल पता है, 25 पैसे का इंडिविजुअल पता है, उन दोनों को कंबाइन करके पता है। तो हम यहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं, करना क्या होता है, क्रॉस में माइनस, 45 माइनस 36.90। ओके, अब हम इससे माइनस करेंगे तो हमको कितना जाएगा, यहां पर 8.1 कुछ आ रहा। ओके, और यहां पर कितना आएगा, 36.90 से 18 घटाएंगे तो हमको कुछ आएगा 18.9। तो मतलब 10 पैसे और 25 पैसे का ये रेशियो है। इसे हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब 10 पैसे डिवाइडेड बाई 25 पैसे। ऐसा आप इसलिए लिखना जरूरी है ताकि आपको पता रहे रेशियो किस सिस्टम से है, 10 पैसे बटा 25 पैसे का रेशियो है। तो मतलब 8.1 बाई 18.9। अब आप यहाँ पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है, और आप इसे 27 से कैंसिल कर सकते हैं, 27 3 जा 81 एंड 27 7 जा 189। ओके, तो इसका मतलब 10 पैसे जो है ना, 10 पैसे, 3 10 पैसे हैं और 7 25 पैसे हैं, ठीक है। हर 10 क्वाइन में 3 10 पैसे हैं और 7 25 पैसे वाले हैं। तो पूछा है नंबर ऑफ 10 पैसे क्वाइंस, नंबर ऑफ 10 पैसे क्वाइंस पूछा है। तो 10 पैसे क्वाइंस कितने हो जाएंगे, कितने 10 पैसे हो जाएंगे, तो 10 पैसे वाला 3 है ना इधर, तो 3 डिवाइड बाई 10, और टोटल क्वाइंस कितने हैं, 180। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 18 3 जा 54। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ 10 पैसे क्वाइंस इज 54। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, वन क्वालिटी ऑफ व्हीट एट रुपीज 9.30 पर केजी इज मिक्स्ड विथ अनदर क्वालिटी, ओके, इज मिक्स्ड विथ अनदर क्वालिटी एट अ सर्टेन रेट इन द रेशियो 8:7। इफ द मिक्सचर सो फॉर्म्ड बी वर्थ रुपीज 10 पर केजी, व्हाट इज द रेट पर केजी ऑफ द सेकेंड क्वालिटी ऑफ व्हीट। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही लॉजिकल है, थोड़ा टफ है। ओके, तो इसे बेसिक से समझना होगा, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बोलता है कि दो क्वालिटी के व्हीट है, ओके, एक क्वालिटी का जो व्हीट है उसका कॉस्ट है रुपीज 9.30 पर केजी, ओके, और दूसरे क्वालिटी के व्हीट के साथ वो मिलता है, ठीक है, उसका रेट पता करना है, ठीक है, और किस रेशियो में मिलता है वो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और मिक्सचर दोनों मिल जाता है तो क्या कॉस्ट बनता है वो दिया है रुपीज 10 पर केजी, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि दूसरा वाला नहीं दिया हुआ है, सेकेंड क्वालिटी ऑफ व्हीट जो है वो नहीं दिया हुआ है कि उसका क्या प्राइस है, ओके। तो ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि सेकेंड क्वालिटी का जो राइस है ना उसका दाम है रुपीज एक्स पर केजी, ठीक है, मान लेते हैं कि रुपीज एक्स पर केजी है। तो पहला का क्या दिया हुआ है उसने, पहला क्वालिटी ऑफ व्हीट का दाम दिया है 9.3, ओके, पर केजी। दूसरा क्वालिटी ऑफ व्हीट पता नहीं है तो ले लेते हैं एक्स, ठीक है। जब दोनों को कंबाइन किया, दोनों क्वालिटी को जब कंबाइन किया तो जो कॉस्ट निकल कर आया वो देता है रुपीज 10, ओके, रुपीज 10 दे दिया ना यहां पर। अब ये क्या आ गया, ये वाला जो है कॉम्बिनेशन वाला है, ओके, हमको कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। तो अब ये जो है 9.3 है और ये 10 है, ठीक है, तो ये तो इस, ये तो हमको साफ है ना कि यहां पर हमको इससे माइनस करना है तो रिजल्ट आएगा, और यहां से इससे इसको माइनस करना है या इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। आपको ये देखना होगा कि 9.3 जो है ना, 9.3 वो 10 से छोटा है, तो मतलब x जो होगा वो पक्का 10 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉम्बिनेशन जो प्राइस होता है ना वो इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा, ठीक है, और रेशियो जो है वो फाइनल रेशियो भी हमको दिया हुआ है 8:7। ओके, अब देखिए फाइनल रेशियो भी हमको दे चुका है, ठीक है। तो अब यहां देखिए 9.3 है और ये 10 है, तो नियम के अनुसार अगर हम एलिएशंस लगाए तो ये 10 में से माइनस 9.3 करेंगे तो हमको रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0.7 आना चाहिए, बात समझा रहे कि नहीं, 0.7 आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 7 को 0.7 बनाना है, इसका मतलब 7 को 0.7 बनाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 10 करना होगा, अगर यहां डिवाइडेड बाय 10 किए तो यहां भी डिवाइडेड बाय 10 करना होगा, बात समझा रहे कि नहीं, क्योंकि ऐसा एलिगेशंस रूल से क्या करेंगे, 10 माइनस 9.3 तो आएगा क्या आंसर हमको, 0.7, मतलब हमको यहां पर ही 7 को 0.7 बनाना है, तो 7 को 0.7 हम कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 10, अगर इधर किया है तो वही चीज हमको इधर भी करना होगा, क्योंकि ये जो है रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो में अगर नीचे या ऊपर बदलाव किए तो दूसरे तरफ भी बदलाव करना होगा तभी रेशियो समान है। तो 8/10 किए तो ऐसा रिजल्ट क्या आ गया, इधर 0.8 आ गया, तो जब इधर 0.7 है तो इधर क्या आएगा, 0.8,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 10 के मुकाबले ये छोटा है, इसका मतलब जो 100 होगा वो बड़ा होगा, तो बड़ा कितना बड़ा होगा आप देखिए, 0.9, 9.3 में आप 0.7 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आपको 10 मिलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, आपको 10 मिलता है। उसी तरह से हमको यहां पर क्या हो जाएगा, 0.8 को इसमें ऐड करना होगा 10 में, क्योंकि ये जो x जो है ना, x जो है वो 10 से बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा, 0.8 बड़ा होगा, ठीक है, ठीक समझ में आ रही कि नहीं, 10 से बड़ा होगा ना x, तो कितना बड़ा होगा, 0.8 बड़ा होगा, तो मतलब x कितना होना चाहिए, 10 + 0.8, तो कितना आ जाएगा, 10.8, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वालिटी ऑफ व्हीट का प्राइस है ₹10.8 पर केजी। ओके, आप देख सकते हैं 10.8 है, ये 10 है, तो एज अ रिजल्ट यहां पर कितना आएगा, 0.8 आएगा जब आप माइनस करेंगे तो, क्योंकि आपको नियम को समझना होगा कि जो भी कॉम्बिनेशन वाला जो प्राइस है ना, वो इन दोनों प्राइस के बीच में आएगा। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा, तो मतलब एक मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब छोटा वैल्यू होगा इसके मुकाबले, और दूसरा जो है वो अगर ये छोटा है तो डेफिनेटली दूसरा वाला इससे बड़ा होगा, तो इससे कितना बड़ा होगा, तो यहां अगर 0.8 है तो ऐड करना होगा, तो 10.8 होगा। बात समझ आ रही कि नहीं, तो सेकंड क्वालिटी का दाम कितना आ जाएगा, 10.8 ₹10.8 पर केजी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी ऐसी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं।